इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि झारखंड और महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। दरअसल सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है, जहां महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक को सपोर्ट करेगी ऐसा कहा जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड राज्य इकाइयों से भी आम आदमी पार्टी ने रिपोर्ट मांगी है। साथ ही आपको बता दें कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता है कि इन दोनों राज्यों में पार्टी चुनाव लड़े। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होंगे और झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि झारखंड और महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। दरअसल सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है, जहां महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक को सपोर्ट करेगी ऐसा कहा जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड राज्य इकाइयों से भी आम आदमी पार्टी ने रिपोर्ट मांगी है। साथ ही आपको बता दें कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता है कि इन दोनों राज्यों में पार्टी चुनाव लड़े। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होंगे और झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि झारखंड और महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। दरअसल सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है, जहां महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक को सपोर्ट करेगी ऐसा कहा जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड राज्य इकाइयों से भी आम आदमी पार्टी ने रिपोर्ट मांगी है। साथ ही आपको बता दें कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता है कि इन दोनों राज्यों में पार्टी चुनाव लड़े। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होंगे और झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होनी है।